उसका बहुत नुकसान किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत घर खड़े थे, परसों तो तुम एआईसीसी में सीपीएससी के कमरे के बाहर खड़े थे, मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं। ये कदम जो उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिलकर के जो राजनीति हो रही है, ये कदम बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा अगले चुनाव के लिए भी। गुड़गांव माने क्या वो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सुनते हैं, कैलाश मेघवाल का सुनते हैं, या वो सिंह साहब उनका नाम सुनते हैं, या कई नेता से हैं बहुत ही मैच्योर है, समझदार है, अनुभवी है, वो कहते हैं कि इस प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग पहले भी कराई गई थी भरसिंह वक्त में। आज बीजेपी के कुछ नेता स्थानीय है दिल्ली वालों को भी इम्प्रेस करने के लिए नाटक कर रहे हैं जो सबके सामने आ चुका है। ये षड्यंत्र बड़ा षड्यंत्र है कांग्रेस सरकार को टॉपल करने का, उसके कई सकते काम कर रही है। खेल पहले चले थे, कुछ जिम्मेदारी पायलट साहब की थी, तो ऐसे मलिंगा साहब की तरह मिलने कई मिल जाएंगे आपको कहने वाले। आपको अगर आप रिसर्च करोगे ना, आंखें खुल जाएगी हिन्दुस्तान के अंदर। एक पीसीसी पहले खुद की पार्टी का हेड खुद की पार्टी को डुबाने के लिए सरकार टॉपल करने के लिए लगा। सर सर, इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना होगा कोई पार्टी का हेड खुद ही अपनी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र कराए, ऐसा आज तक मैंने कभी सुना नहीं। ये इनका चरित्र चाल चेहरा सामने आ गया। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत घर खड़े थे, परसों तुम एआईसीसी में सीपीएससी के कमरे के बाहर खड़े थे, मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं, कैसे सम्मान दिया जाए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को। वो मैंने सब कुछ सिखाया राजस्थान के अंदर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आए तो खड़े होना चाहिए हम लोगों को। उम्र पीछे है पद बड़ा होता गरिमा का, ये तमाम कल्चर मैंने सिखाया यहाँ के नेताओं को, मान सम्मान दिया पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंके जाने के लिए तैयार हो जाए,